नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सत्तालोजी डिबंकिंग मिथोलॉजी सत्तालोजी के शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको मेरे पिछले 16 शोज बहुत पसंद आए। आज मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ यू विल बी शॉक टू लर्न। और हमारे चैनल को 2 लाख तक पहुंचाइए जल्दी से जल्दी। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आप लोग बोलते हैं हमारे व्यूज इतने कम क्यों आते हैं, तो ये आप सबको भी सोचना है, हमको भी सोचना है कि हाउ वी कैन इंक्रीज द रीच डिस्पाइट हैविंग सच अ गुड कंटेंट। चलिए, ये शो है आपको शॉक कर देगा। ये शो पिछले शो मैंने प्रूव किया कि किस तरह मेरी बुक जो थी गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड से मैंने प्रूव किया कि किस तरह से पूरे विश्व में कॉलोनाइजेशन कभी अंत नहीं हुआ। आज मैं आपको प्रूव करूंगा कि पूरे विश्व का इतिहास वैदिक इतिहास है, पूरे विश्व का इतिहास सनातन धर्म का इतिहास है, पूरा विश्व सनातनमय है आज भी। चर्च डिनाई करता है, मस्जिद डिनाई करती है, सब लोग डिनाई करते हैं कि नहीं हम लोग बढ़ रहे हैं, हमारा नंबर सबसे ज्यादा है, हमारा नंबर सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर मैं इतिहास को मैं देखूं तो इतिहास को जब आप देखेंगे तो पता लगेगा कि भारत और सनातन धर्म पूरे विश्व में व्याप्त था और है। तो सबसे पहले एज यूजुअल मैं आपको दुनिया के मैप में लेके चलता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। ये मैप है और मैं यहाँ पे जितने भी येलो पॉइंट्स हैं सब जगह मैं कोट कर रहा हूँ, सारे येलो पॉइंट्स हैं। जहां पे येलो पॉइंट्स हैं ये सारी जगह पर स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। अफ्रीका का भी आप देख लीजिए, मैं आपको अफ्रीका के भी पॉइंट्स दिखा देता हूँ। इस साउथ पूरे अमेरिका में, अफ्रीका में भी हर जगह चिन्ह मिले हैं। भारत की तो आप बात छोड़ दीजिए, जितने भी आइलैंड्स दिख रहे हैं सब जगह स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। नॉर्दर्न यूरोप से लेके, रशिया से लेके, जापान से लेके, ये सब जगहों पे स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं पूरी पृथ्वी पर, हर जगह। और सबसे ज्यादा मिलते हैं यूरोप में, एशिया में और साउथ अमेरिका में। तो स्वास्तिक का अर्थ होता है अच्छा, अच्छी सेहत, देवताओं का सहयोग, सप्तऋषियों का आशीर्वाद और ध्रुव तारे का संरक्षण, क्योंकि ध्रुव तारे पर भगवान विष्णु रहते हैं आज भी। जो सूर्य है ध्रुव तारे के से जो लाइन आती है मेरू पर्वत तक, ध्रुव उस लाइन का चक्कर लगाता है, उसी को बोलते हैं सुमेरु। हनुमान जी बताते हैं कि वो सूर्य भगवान जो है, सूर्य देव जो है, अपने रथ पर मेरू को दाहिनी ओर रख कर चक्कर लगाते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं। सूर्य की गति होती है धीमी, मध्यम और तेज, ये 3 गति होती है। नक्षत्र सारे स्टैंडर्ड रहते हैं, आपको कोई भी ज्योतिष बता देगा, ज्योतिष शास्त्र जिनको आता है वो बता देगा कि किस प्रकार से आपके जो 12 जो बनाते हैं जन्म पत्री बनाते हैं उसमें किस तरह वो मूवमेंट देखते हैं सारे ग्रहों का। कहीं भी ये नहीं देखा जाता पृथ्वी का मूवमेंट, पृथ्वी को स्थिर माना जाता है ज्योतिष में। और सूर्य और चंद्र मूव करते हैं थ्रू द नक्षत्र। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में पहुंचे, सूर्य जब इस नक्षत्र में पहुंचे, सूर्य तो ग्रह मूव करते हैं, सूर्य मूव करते हैं। अब शनि इस नक्षत्र में आ गए हैं, ऐसी बात होती है, लग्न की बात होती है। तो लग्न जो होता है वो चंद्र से कंट्रोल्ड रहता है। और जो तो ये मेरे को डिटेल्स मालूम नहीं है, तो आपको किसी पूछना पड़ेगा, बट आई कैन टेल यू बेसिक थिंग्स जो मुझे थोड़ा सा आइडिया है, मुझे डिटेल्स मालूम नहीं है। तो ये हम लोग देखते हैं बार बार। तो इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि स्वास्तिक का अर्थ होता है जो अच्छी, विच ब्रिंग्स यू लक्ष्मी, धन, धर्म, स्वास्थ्य और जो अच्छी चीजें लाते हैं उसी को उसको स्वास्तिक बोलते हैं। कि जो आपको जो है आपकी उन्नति में आपका सहायक हो, मंडल है वो। अब मैं उसी के माध्यम से प्रूव करूंगा कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म कैसे फैला हुआ है। मैं बहुत सारे शोज आपको दिखाए हैं, पिछला वीडियोस आप जाके चेक करिए कि मैंने फिनलैंड में, नॉर्वेजियन आइलैंड्स में, स्वास्तिक के पॉटरी दिखाई थी आपको, वो यूरोपियन डॉक्यूमेंट्स में है, यूरोपियंस ने ही उसको रखा है। पिछला वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं, मेरा प्लेलिस्ट चेक करिए आदित्य सत्संगी, उसमें आपको मिल जाएगा सारे वीडियोस और उसमें आप जाके देख सकते हैं कि वो मैंने प्रूव किया था। और मैं क्यों ऐसा करता हूँ, ये मेरा इंटरेस्ट भी है तो मुझे बड़ा आनंद आता है और आपको भी उससे ज्ञान सीखने को मिलता है और मेरी श्रद्धा बढ़ती है और वेदों में, पुराणों में, और मुझे जप करने में और भी आनंद आता है। तो ये मेरा पर्पस रहता है, ठीक है। ऑनेस्टली आई टोल्ड यू व्हाई आई डू ऑल दिस थिंग्स। नाउ लेट्स बिगिन द जर्नी। तो मैंने आपको मैप सिखाए हैं, बहुत सारे मैप्स है हमारे पास जो है, कभी भारत के हैं, कभी फॉरेन के हैं, वो सब मैप्स में आप जाके देख सकते हैं। मेरे पास वो सारे मैप्स हैं यहाँ पे। एक जो मैप है वो है let me just do that, इधर भी आपको स्वस्तिका के चिन्ह मिलते हैं, यहाँ पे गाय भी है और यहाँ पे जो गाय है आप देख सकते हैं, ये कुबड़ वाली गाय है, मिक्स गाय है कुबड़ वाली। तो गोमाता से शुरू करते हैं, नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणिताय जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अब चलते हैं दूसरी स्क्रीन जिसपे आपको बहुत आनंद आने वाला है, और ये ब्रिटिश म्यूजियम की वो है जो दिखा रही है स्वास्तिका सिंबल को ब्रिटेन में, एंग्लो सैक्सन जर्मनी में दिखा रही है, ठीक है। ये जर्मनी का सिंबल है, जर्मनी में सैक्सन, हम सैक्सन बोलते हैं जर्मेनिक ट्राइब्स को। चर्च ने इन सबको बर्बाद कर दिया, चर्च ने बोला ये सब तो पुरानी बातें हैं। क्या दिखता है यहाँ से, घड़ा है, घड़े को कहाँ यूज किया जाता है, पानी रखने के लिए, और घड़े का प्रयोग यज्ञ में भी होता है। इसका मतलब इतना डिजाइनर है तो ये रिलीजियस पर्पस के लिए ही यूज हुआ होगा, है ना। फिर देखिए ये जर्मनी का है, ये है दूसरा है, ये नाजी प्रोपेगेंडा से है। नाजी के लोग हैकन क्रूज यूज करते हैं, वो एक नाजी कैथोलिक क्रॉस है, वो उसका कोई भारत से संबंध नहीं है। तलवार पे है सेबो स्वॉर्ड, ठीक है, पुरानी पुरानी तलवार है जिसपे स्वास्तिक पूरी तलवार पे, मतलब धर्म की लड़ाई। ये डेनमार्क में मिला है, डेनमार्क में इसको बोलते हैं स्मॉल्डेलेव स्टोन, डेनमार्क में 9th सेंचुरी का स्टोन है। तो मतलब वहां पे 9th सेंचुरी तक तो स्वास्तिक ही चल रहा था, तो कहां पे क्रिश्चियनिज्म था ही। अब यहां पे आपको मिले हैं ओसेबर्ग शिप में दो स्वास्तिक के साथ एक बकेट, क्या कर रहे हैं ये 8वीं शताब्दी में मिले हैं और ये मेडिटेशन हो रहा है। यहां पर भी है बुद्ध। अभी यहां पे डेनमार्क में नाइडम मोज, ये यूरोप की बात हो रही है, अभी तक 3rd सेंचुरी तक यहाँ पे स्वास्तिक यूज किया जा रहा है। कहीं कहीं पे स्वास्तिक उल्टा भी यूज होता है, कहीं कहीं पे सीधा भी यूज होता है, अलग अलग उसके प्रयोग होते हैं। हर किसी का वैदिक विधान है किस प्रकार से स्वास्तिक बनाया जाए ताकि उससे क्या पर्पज सॉल्व हो। और स्वास्तिक बनाने की विधि होती है कि उससे 2 लाइन्स क्रॉस नहीं की जाती, जैसे मैं अगर बनाऊं ऐसे करके ऐसे बनाऊंगा और फिर ऐसे करके ऐसे बनाऊंगा, क्रॉस नहीं होगा, ऐसे क्रॉस करके बनाया नहीं जाता, ठीक है। तो ऐसे 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 लाइक ऐसे बनाया जाता है, क्रॉस नहीं किया जाता। तो उल्टा भी बना हुआ है। अब यहाँ पे ये हुआ यूरोप की कहानी, ठीक है। अब चलते हैं पूरी दुनिया पर, अनेक वर्जन्स हैं, कुछ बोलते हैं हिंदू है, ये क्रॉस है ना, मैनी कल्चर्स। बट स्वास्तिक का सबसे पहले वर्णन कहाँ पे आता है, स्वास्तिक का सबसे पहला वर्णन आता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद पूरी दुनिया में लोग बोलते हैं कि सबसे पहले पुस्तक लिखी गई है। मेरे अनुसार, मेरी महाभारत रिसर्च के अनुसार, ऋग, यजुर, साम और अथर्व चारों एक साथ लिखे गए हैं। जो पायला को दिया गया ऋग्वेद, सुमंतु को दिया गया अथर्ववेद, जैमिनी को दिया गया ऋग सामवेद और वैशंपायन को मिला यजुर्वेद। ये 4 वेद के 4 गुरु हैं और 5वां इनका शिष्य है व्यासदेव का, वो है उनका स्वयं का पुत्र सुखदेव गोस्वामी जो महादेव के कृपा पुत्र हैं। व्यासदेव और धृताची के संगम के द्वारा। मेरी पुस्तक का वर्णन देख सकते हैं, मेरी पुस्तक आई थी दी ओरिजिनल एटलस, उसमें है। और हर पुस्तक में मेरी एक महान ऋषि की जीवन कथा रहती है, जैसे द पांडवास द फेमस फाइव, युधिष्ठिर प्राण ऑफ धर्म, नारद द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन, इन सब में किसी न किसी ऋषि की कहानी रहती है। अगली जो पुस्तक आने वाली है उसमें भी एक ऋषि की कहानी रहेगी, तो आप उसको देख सकते हैं। ताकि ये जो है हिटलर का हैकन क्रूज है, ये क्रिश्चियन सिंबल है, इसका कोई भारत से संबंध नहीं है। ये 1600 की कहानी है, ये अलग है। स्वास्तिक सन व्हील ये यूनिकोड में मिला है, ठीक है। लेफ्ट फेसिंग सन व्हील ये भी स्वास्तिक सिंबल है, और ये मिला था 534 AD में। और यही सन व्हील राइट फेसिंग, वो लेफ्ट फेसिंग था। और कैंगलफाइड इनपुट मेथड ये भी एक तरीके बनाने का मेथड है। और ये सप्तऋषि का है, चाइनीज कॉस्मोलॉजी का सिंबल है, ये चाइनीज कॉस्मोलॉजी का सिंबल है। मेरी आवाज ठीक से आ रही हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, अगर नहीं आ रही होगी तो फिर आप मुझे बताइएगा, लेकिन अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप उस पर कमेंट कर दीजिएगा। लेट मी फर्स्ट आल्सो चेक आल्सो कि वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट, बट यस अकॉर्डिंग टू माय ओन थिंग आई एम वेरी मच ऑडिबल। चलिए अब हम आगे चलते हैं इससे। ये जो सिंबल है, ये जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये है हान डायनेस्टी का सिंबल है, जो कि चाइना में है। हमको सबको मालूम है कि हान डायनेस्टी जो है या जो चाइनीज डायनेस्टी है, चीन हस्तिनापुर को कर देता था, और चीन की सेनाओं ने युधिष्ठिर के दुर्योधन के साथ लिया था। 11 अक्षिणी सेनाओं में थी, और उन्होंने पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया था उस समय भी, क्योंकि रासोई के बाद जब पांडव कौरवों ने उनका राज्य हत्या लिया, तो उसके बाद जो राजसूय यज्ञ में जो भी जगह जीती थी महाराज युधिष्ठिर ने, वो सब दुर्योधन के पास चली गई। तो बाद में किरात और चीन के लोगों ने उनके साथ युद्ध किया, दुर्योधन की सेवाओं के साथ मिले, युधिष्ठिर के विरुद्ध युद्ध किया। और युधिष्ठिर पहले बता देते हैं कि जो लोग हमसे हारे हुए हैं वो दुर्योधन का ही साथ देंगे, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। ये एक सिंबल है, प्रीमा सिंबल है, जो काफी जगह यूज किया जाता है। पीमा सिंबल, इसको हम ये भी बोल सकते हैं पीमा सिंबल को। ये जो सिंबल है नेटिव अमेरिकन का है, और इसको भी क्रॉस बोला जाता है, चार दिशाओं का। ये भी स्वास्तिक है, ये नेटिव अमेरिकन। तो यहाँ नेटिव अमेरिकन भी पीमा सिंबल जो यूज करते हैं वो स्वास्तिक सिंबल ही है। फिर ये आता है जगाम माउंटेन्स आर्मीनिया में। ये माउंटेन्स है किधर? जगाम माउंटेन्स। जगाम माउंटेन्स आर्मीनिया के नॉर्थ डायरेक्शन में है। ये ईरान में पत्थर में लिखा हुआ है स्वास्तिक। जो ईरानियन अपने आप को आर्यन बोलते हैं, बिल्कुल गलत है। आर्यन का अर्थ होता है जो वेदों को पालन करे। ईरान तो इस्लामिक देश है, उसको आर्यन नहीं बोला जाएगा। और जोराष्ट्रियन जो थे, अहूर माजदा असुर, उन्होंने वेदों को छोड़ दिया, इसलिए उनको असुर माना जाता है। तो ये असुर मतलब अभी, लेकिन पुराना तो उनका कल्चर सनातन ही है। जोराष्ट्रियन से पहले पारसिक देश हस्तिनापुर को कर देता था, तो इसलिए पारसिक देश को हस्तिनापुर का ही पार्ट माना जाएगा, तो वो अलग है। तो इसलिए ईरान आर्यन नहीं है। जो पत्थर में दिख रहा है स्वास्तिक, ये उसके भी पुरानी सभ्यता है, जोरास्ट्रियन से पहले की सभ्यता है। जोरास्ट्रियन की सभ्यता नहीं, उससे पहले की सभ्यता है। जगाम पहाड़ों में आर्मीनिया में, आर्मीनिया हिंदू टेरिटरी रही है हमेशा से, अभी आजकल क्रिश्चियन है लेकिन वो हिंदू रही है हमेशा। और यह है समाराबाव इराक में। इराक हमेशा से हिंदू देश रहा है ना। ये 4000 BC का है। पारगेमॉन म्यूजियम बर्लिन में रखा हुआ है। समारा बाउल, तो ये भी हिंदू है। ये मोहनजोदारो तो महाभारत की सभ्यता है, जयद्रथ का जगह है। ये गिलान प्रोविंस, नॉर्दर्न ईरान, मार्लिक गिलान, ये भी उधर मिलता है, हिंदू है, प्री जोरास्ट्रियन है, ये हिंदुओं का है। ये रेड स्वास्तिक सोसाइटी में बनाया गया है, उल्टा वाला क्रॉस, ये सीधा वाला नहीं है, ये बंगाली हिंदू यूज करते हैं। और ये सिंबल आपको मिलेगा बहुत जगह साउथ अमेरिका में, अनेक अनेक उसमें मिलेगा, ये पिरामिड्स में मिलेगा, साउथ अमेरिका, मायन, इनका, एस्टेक, हर जगह मिलेगा। और नेटिव अमेरिकन के साथ नॉर्थ अमेरिका में भी मिलेगा। ये आदमी का पिक्चर नहीं है, ये स्वास्तिक है, आप आदमी का पिक्चर नहीं है। ये तो हिंदू में आप जानते ही हैं, चलता है ये स्वास्तिक के मंदिरों में। ये है गोवा में, गोवा लावा एंट्रेंस, वहां पे लगा हुआ है। ये बालीनीज, बाली इंडोनेशिया में हिंदू मंदिर में ये चिन्ह है सूर्य के लिए। ये है जपमाला, मलेशिया में यूज की जाती है, क्योंकि बुद्ध जो है वो बुद्ध जो है वैदिक संस्कृत से आते हैं, लेकिन उन्होंने वेदों को रिजेक्ट किया, ये लिखा गया है शास्त्रों में। ये तो जैन का सिस्टम है। और ये जो सिस्टम है चाइनीज कैरेक्टर, ये भी स्वास्तिक सिंबल है। इसमें आप देख सकते हैं दोनों साइड में स्वास्तिक दिख रहा है, जहां जहां मेरा येलो कर्सर जा रहा है वहां वहां स्वास्तिक आपको दिख रहा है। फिर आपको दिखेगा ये जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है किंग डायनेस्टी का ड्रैगन रोब, उसमें आपको स्वास्तिक मिल रहा है, क्योंकि चीन के सभी राजा सनातनी थे। चीन के पुराने जितने भी राजा थे, किंग डायनेस्टी, किंग जो डायनेस्टी थी वो भी सनातनी थी। आजकल पता नहीं क्यों चाइनीज ऐसा भूल चुके हैं अपने कल्चर को, इसकी वजह से उनको नुकसान होने वाला है। ये हाचीचुका क्लैन का है, द मॉन ऑफ हाचीचुका क्लैन। ये जो है एम्परर हैं जापान के। और ये जो दिख रहा है आपको, ये जो सिंबल है ये जापानी सिंबल है, जापान, सारे शिंटो जापानीज होते हैं, सारे देवता पैटर्न जापानीज होते हैं। आर्मीनिया का आर्कलेखच, ये भी स्वास्तिक ही माना जाता है, क्योंकि आर्मीनिया हिंदू टेरिटरी है। आर्मीनिया, लिथुआनिया, लाटविया, ये सब हिंदू के टेरिटरीज हैं। ये आवार ओल्ड पेट्रोग्लिफ, ये बहुत ही पुराना पेट्रोग्लिफ है, अगेन यूरोप में है, दैट इज ऑल्सो स्वास्तिक सिंबल। और फिर ये फोक स्वास्तिक है, आवार का फोक स्वास्तिक है, ये भी स्वास्तिक सिंबल है। और ये जो है सनाहिन आर्मीनिया में, सनाहिन आर्मीनिया कैन नॉट रिजेक्ट। आर्मीनिया, अजरबैजान, टर्की, तुर्क का नाम तो महाभारत में भी आता है। तो ये सब महाराज भगदत्त के अंडर रहते थे। महाराज भगदत्त सारे यवनों के राजा हैं, तो मतलब सारे यवनों को भी एक सनातनी कंट्रोल करता है और था, ठीक है। ये वहां के सिंबल है, ये आर्मीनिया में दिखे सनाहिन। तो ऐसे आपको हर जगह दिखाई देंगे। ये आपको दिख रहा है चेचनिया में, खिमोव चेचनिया, चेचनिया जो दिखता है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया तो पूरे सनातनी टेरिटरी है, जम्बूद्वीप का टेरिटरी है। और ये सिंबल दिख रहा है उगुंस का मोटिव, उगुंस क्रॉस मोटिव। अगर इसको देखेंगे तो ये मिलेगा आपको लाटविया में, लाटवियन फोकलोर में, ठीक है, ये लाटवियन फोकलोर में है। फिर ये जो दिख रहा है थंडर मार्क इन पेरपरून, वो भी लाटविया के पास आता है। देन दिस इज कम्स इज गॉड और स्वरोग, पोलैंड में आता है, ये पोलैंड का है। तो कहाँ पे ये सनातन, यूरोपियन कहाँ से हो गए? यूरोपियन, उनको जितना भी जर्मेनिक ट्राइब्स है, सैक्सन ट्राइब्स है, सारे सनातनी है। ये लाटविया में है। ये बोरेको कोट ऑफ आर्म्स, ये जो बोरेको कोट ऑफ आर्म्स है, ये है पोलिश नोबल फैमिलीज का है। ये आता है, ये ग्रीक का है। तो ये जो आता है उतोफ ग्रीक कीज, वेरियस मेंडर्स ग्रीक पैटर्न्स, यहाँ पे स्वास्तिक आपको मिलेगा। ये भी ग्रीक में आता है, ये भी स्वास्तिक है। ये जो आता है सिल्वर स्टेट ऑफ कोरिंथ, तो ये जो कोरिंथ वाला है, ये भी which is also the Pegasus flying here, lose a diagonal, is a very again Greek symbol है। ये भी स्वास्तिक है। ला ओल्मेडा स्पेन, ये मोजैक है स्वास्तिक वाला फ्लोर के ऊपर, मतलब मंदिर की जगह है, इसके ऊपर चर्च बना दिए गए हैं। रोमन्स जो होते थे they very influenced, रोमन्स को पैसे से मतलब रहता था, they never cared about destroying or converting people, they just wanted to control things for money। ये बश्कीर सिंबल है फॉर फर्टिलिटी एंड इट्स इन द अगेन इट्स इन द रोम एंड आर्मीनिया दैट एरिया का है। बाइजेंटाइन चर्च, क्रिश्चियन जो बाइजेंटाइन चर्च होता है जिन्होंने टर्क्स को, जो टर्क से हारे भी कभी उन्होंने हराया भी, तो ये इजराइल में आता है। शवे सियन यहाँ पे इजराइल में आता है, ये बाइजेंटाइन चर्च में ये मोजाइक मिला है, काफी पुराना। ये जूश का जो प्रेयर्स होती हैं, काबालिस्टिक वर्क, पराशत एलिजेर, ये इसमें स्वास्थ्य का सिंबल आपको मिलता है। और कभी कभी आपको जूश की जो राइटिंग्स होती है, लैंग्वेज और फॉर्म ऑफ राइटिंग होती है, वो काफी ब्राह्मी से मिलती है और संस्कृत से मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैदिक हो गए। ये बिशप विलियम एडिंगटन की जो एफिजी है उसके ऊपर स्वास्तिका आपको मिलेगा हर जगह। ये स्वास्तिका आपको मिलेगा मूर इन इंटरप्रेटिंग द विक्टोरियन एरा प्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन है, बट ये पहले से स्वास्तिक वहां पे मौजूद था। तो हमने कितने यूरोप कवर कर दिया। अब अफ्रीका पे आते हैं। अब अफ्रीका में अशांति वेट इन अफ्रीका, उसमें स्वास्तिक आपको दिखता है। अफ्रीका का नाम है प्लक्षद्वीप। प्लक्षद्वीप में आपको किलिमंजारो में आपको बहुत सारे सिंबल्स मिलेंगे, पूरी किलिमंजारो, कॉन्गो। गुड थिंग अबाउट अफ्रीका इज कि अनडिस्कवर्ड है ज्यादा से ज्यादा। तो वहां का जो नेटिव कल्चर हिस्ट्री है कि मिशनरीज तो पूरा कन्वर्ट करके रख दिया उन्होंने अफ्रीका को। हर जगह इंग्लिश, फ्रेंच, यूरोपियन, स्पेनिश, पोर्चुगीज, यही भाषा बोलते हैं वो लोग, उनका लोकल भाषा ही नहीं बचा है। लेकिन फिर भी वो इतना ढूंढ नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि वेस्टर्न गवर्नमेंट्स वहां से एक्सट्रैक्ट करना चाहती हैं, सो दे डू नॉट एबल टू सर्च फॉर एवरीथिंग। तो वो बहुत सारी जगह वहां पे खुद ही दबी हुई रह गई है अफ्रीका में। तो ये अफ्रीकन स्वास्तिक सिंबल है, इसको अशांति बोलते हैं। ये हुआ निकोंदम सिंबल फ्रॉम घाना, ये भी है घाना का स्वास्तिक। ये आया कार्ड फोर्क, ये इथियोपिया में स्वास्तिक हो गया। ठीक है, अभी नॉर्थ अमेरिका पे आ रहा हूं मैं, मजा आएगा आपको बहुत। और ये जो है ये जो जगह है ये नॉर्थ अमेरिका से आया है, स्पीरो, ओक्लाहोमा। नॉर्थ अमेरिका में भी स्वास्तिक आ गया, देख रहे हैं आप इस तरह सांप है उधर। ये है बिशप्स एंड ये जो जगह है ये आपको मिलेगी जर्मनी में, ये स्वास्तिक वहां पर जर्मनी के पिक्चर्स हैं। ये ग्रेव सर्कल फ्रॉम स्वास्तिका फ्रॉम सर्कल ग्रेव ए, ये भी आपको जर्मनी का साइट है। ये आपको मिलेगा कार्ल्सबर्ग एलिफेंट टावर, यहाँ पे आपको स्वास्तिका आ गई, यहाँ पे तो पूरा हिंदू ही दिख रहा था। ये फिनलैंड की एयरफोर्स है 1934 से लेकर 1945 तक, ये फिनलैंड की एयरफोर्स का सिंबल है। शौक हो गए ना आप, फिनलैंड की एयरपोर्ट का सिंबल है, एयरफोर्स का स्वास्तिक। ये है फिनलैंड की क्रॉस, इसलिए भी स्वास्तिक है। आप जाके वेद स्टडी के लिए इसका छोटा पट्टा, बड़ा पट्टा, इसको भी स्वास्तिक बोला जाता है। चार डायरेक्शंस में लाटवियन एयरफोर्स का सिंबल ये है 1940 का, लाटवियन की एयरपोर्ट। ये एशिया लोगो बिफोर 1933। ये बैजेस वॉर्न बाय रेड आर्मी, रेड आर्मी के तो कंधे पे लगा हुआ है स्वास्तिक विद डॉट्स। तो कहाँ के क्रिश्चियन हो गए भाई, ये कहाँ के ऑर्थोडॉक्स हो गए, ये तो पिक्चर सारे सनातनी लोगों की है। और आज भी बोलते हैं, तो पूरा विश्व तो आज भी हिंदू है, ये तो यूज भी किए जाते हैं। तो पाकिस्तान वालों को तो बड़ा दुख होगा कि वो तो फालतू में कन्वर्ट हो गए, भारतीय मुसलमानों को बड़ा दुख होगा फालतू में कन्वर्ट हो गए, पूरा विश्व तो हिंदू ही था। इतिहास है, मैं तो कुछ अपनी तरफ से क्रिएट नहीं कर रहा हूं, ये डेटा तो फॉरेन, यूरोपियन डेटा है। आप यूरोपियंस को ब्लेम करिए, मुझे नहीं, मैं तो सिर्फ रिपोर्ट प्रोड्यूस कर रहा हूं मेरी मैजिकल एटलस बुक से जो नहीं आने वाली है। फ्लैग ऑफ थुआ 21 से 26 तक उसके बीच में है, ये है ना थुआ। थुआ कौन सा है, रशिया का एक टेरिटरी है। और ये हमारे नेटिव अमेरिकन भाई है, अमेरिकन इंडियन, गले में पहने हुए स्वास्तिक। चीफ विलियम नेपच्यून ऑफ पासामा कोडी, सिर पे, दिल में, हृदय में, अब सिगार मत पीजिएगा बस। ये नेटिव अमेरिकन स्कूल में स्वास्तिक सिंबल चल रहा है। ये फर्नी स्वास्तिक हॉकी टीम 22 में इन्होंने क्या किया, क्रिश्चियंस ने स्वास्तिक को मारने के लिए उसको हैकन क्रूज को स्वास्तिक कनेक्ट कर दिया। ये भी कैथोलिक चर्च की चाल है, ये भी उनकी चाल है। उसको कनेक्ट कर दिया ताकि लोग इसको सोचे कि अरे तो हिटलर का सिंबल है। कितना डिफेंड करना पड़ता है हम हिंदुओं को, अरे पूरे विश्व को डिफेंड करना चाहिए। द होल वर्ल्ड शुड कम टू डिफेंड स्वास्तिक एज ए कॉमन कल्चरल हेरिटेज ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज द मोस्ट कॉमन सिंबल ऑफ यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, है ना। अब देखिए, पिलो कवर इन लेडीज होम जर्नल 1912 का है, रिसेंट है ये। स्टेट राउट, एरिजोना स्टेट राउट में ये आ गया स्वास्तिक सिंबल। क्यों आ गया? क्योंकि वहां का लोकल कस्टम है, नेटिव अमेरिकन्स का, नेटिव अमेरिकन्स का कल्चर है स्वास्तिक। और ये जो है जर्मन वर्कर्स पार्टी में हिटलर ने मिसयूज किया। वी डोंट कनेक्ट विद हिटलर, हिटलर वाज अ क्रिश्चियन कैथोलिक, जो भी है उसका नाम था। वी डोंट कनेक्ट, ये तो वैदिक सिंबल है, वैदिक, इट इज अ वैदिक सिंबल, नथिंग टू डू विद हिटलर। एंड दिस इज जर्मन एयरफोर्स में इसको मिसयूज किया गया हर जगह। ये अमेरिका का नेशनल सोशलिस्ट मूवमेंट है इन द यूएस, उसका भी सिंबल रह चुका है। रशियन नेशनल यूनिटी इज ऑल्सो स्वास्तिक सिंबल। और ये है कोरिया का टेम्पल। आजकल कोरियंस बहुत कन्वर्ट हो रहे हैं कैथोलिक्स में, कोरियंस एंड अदर पीपल आर गेटिंग कन्वर्टेड, बट स्वास्तिक सिंबल इज देयर टू। तो मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि कहां नॉर्थ ईस्ट चाइना में ताओइज्म रिलीजियस मूवमेंट का स्वास्तिक सिंबल आ गया, चाइना का वर्ल्ड वॉर 2 का सिंबल स्वास्तिक, तोराजन पीपल इंडोनेशिया उनका स्वास्तिक सिंबल, गॉडेस ऑफ थंडर इन ताइवान स्वास्तिक। और ये गुना याला पीपल 1922, और ये पनामा में है, पनामा, पनामा यू नो between North America and South America, Panama Canal, Panama. That is where, that is also swastik. This is the David, Megan David, that is also swastik in the middle. And this is another hexagram, swastik. And Polish mein ye swastik. Kolovarat flag is swastik. Hindu ka to hai, Jain ka bhi hai. So, मुझे बताइए कि स्वास्तिक तो पूरी दुनिया में हर जगह, द होल वर्ल्ड इज यूनाइटेड ऑन स्वास्तिक। दैट मीन्स हिंदू कल्चर is global, was global, is global, will remain global. And I want the international community, especially the Indian government, to act on it. Ministry of Culture, it's their responsibility to promote the culture in the world based on the Indian ethos, Sanatan Dharma ethos, Vedic ethos. And then you will see a resurgence of the Indian thought process. So the United Nations must replace their flag with the swastik symbol, or it should disband. United Nations is a continuing the colonization, तो उसको disband होना पड़ेगा, कभी ना कभी तो होना ही पड़ेगा, because it's lived its life utility. So I hope you enjoyed the show. हम लोग को ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, 2 लाख तक जल्दी पहुंचाइए। एंड देन वी विल डू मोर, वी आर कंटिन्यू डू मोर शोज। अच्छा, डोंट फॉरगेट टू वॉच माय भगवद गीता सीरीज गोइंग ऑन, that is especially for members. It will be first released to the members, and then rest of the people can watch it. If you want to watch the first, become a member, and you will see all those videos there. This way, it also helps our channel. Our team is becoming bigger, and we are going to do more research all over the world, and we need your support. Our literature festival is coming. We need your support. We need lots of financial support, volunteer support, and also people who want to study with us, become Sattology scholars. Namaste, Jai Jagannath, and I will see you in a next show.